मन में आते हैं भाव आएंगे अब उस भाव को कैसे रोकना है कभी प्रतिपक्ष भावना आ गया कभी वैराग्य के उद्रेक आया साधु बन गया परंतु तो मन में संस्कार का न जाने कैसा संस्कार तो कहते हैं संस्कार कि ऊंची स्थिति में भी जाने के बाद सांसारिक बातें आती हैं साधक के मन ऊंची स्थिति की बात है तो सामान्य स्थिति को छोड़ ही दीजिए उस समय मान लीजिए कि मन में आने लगे विषय वासना विषय भिशेव भोग की लालसा तब क्या करे तो वहाँ उपाय भी बताएगा कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम वितर्क जब बाधित वितर्क मतलब हिंसा आदि जब वितर्क कहते हैं मन में ऐसा आया कि इनको मैं कुछ बोल दूँ मार दूँ मेरे अनुकूल नहीं बोल रहे गाली दे रहे हैं हमको तो इस प्रकार से अहिंसा आदि के विपरीत जो हिंसा है झूठ है चोरी है ब्रह्मचर्य है परिग्रह है ये सब जो भावना उठने लगे मन में करने की तब महर्षि कहते हैं कि प्रतिपक्ष भावना करिए प्रतिपक्ष भावना करिए और प्रतिपक्ष भावना को बताते हुए भाष्यकार ने लिखा है कि उस समय साधक को ये चिंतन करना चाहिए कि आज मेरी स्थिति कैसे हो रही है जिस चीज को मैं त्याग चुका हूं कब का और संकल्प ले लिया हूं कि अब मैं इसको जीवन में ग्रहण नहीं करूंगा और आज वही चीज मेरे अंदर उठ रही है उसी को प्राप्त करने की मेरे मन में कामना आ गई है मेरी स्थिति क्या कुत्ते जैसी हो गई है कि जिस चीज को वमन कर देता है त्याग देता है फिर उसी को ग्रहण करता है इस प्रकार के अपने को थोड़ा सा अपने मन को संभालना चाहिए ऐसा कहा करके तो थोड़ी सी खिन्नता आती है नहीं नहीं मैं कुत्ता नहीं हूं एक बार जिसको त्याग दिया फिर अब मैं ग्रहण नहीं कर सकता तो ऐसे अपने आप को थोड़ा सा मन को काबू में करने के प्रतिपक्ष भावना बताए हैं भगवान पतंजलि ने तो इस प्रकार से वैराग्य हो और वशिकार संज्ञा वैराग्य तो सबसे ऊपर है कि जब एकेंद्रीय संज्ञा वैराग्य से भी ऊपर उठता है क्योंकि अब क्रियाएँ चल रही है धीरे धीरे अब मन से ही वो निकल रही हैं बातें तब एक समय ऐसी स्थिति आती है कि उसका मन अब भगवान के अतिरिक्त अब उसको कुछ अच्छा लगता ही नहीं विषय भोग उसको अच्छा लगता ही नहीं और किसी प्रकार के विषय भोग चाहें स्वर्ग आदि की कामना की बात करें वो कहता है कि नहीं भगवान कतिक तब हमको कुछ चाहिए ही नहीं ये भी स्थिति आती है इसी को कहते हैं वशिकार संज्ञा वैराग्य और इसी वशिकार संज्ञा वैराग्य से चित्त निरुद्ध होगा सामान्य से नहीं होगा सामान्य तो वशिकार संज्ञा तक जाने के लिए सहयोगी होते हैं परंतु तो जब तक वशिकार संज्ञा वैराग्य उत्पन्न है तब तक चित्त जो है काबू में नहीं आएगा मन काबू में नहीं होगा तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि अभ्यासे कौनते हैं वैरागेण चृहते थे अभ्यास और वैराग्य से मन की चंचलता को रोक करके और समाधि की दशा को प्राप्त किया जा सकता है और एक इससे भी ऊपर स्थिति है परवैराग्य उसमें तो ये होता है कि गुण मात्र से भी तृष्णा हो जाती है तत्परम पुरुष ख्या गुण वै तिष्ण्यम जब तत्व का साक्षात्कार हो जाता है आत्म साक्षात्कार हो जाता है उस समय एक वैराग्य उत्पन्न होता है कि अब ये शरीर ये जो है मन बुद्धि माया इसे ही भी तृष्णा हो जाती है अब मेरे को बस मुक्त हो जाना है ये शरीर बंधन ये शरीर भी बंधन है ये मन बुद्धि इंद्रिया भी बंधन है ये सब ये जो आवरण है ये जो पंचकोश है ये सब बंधन है इसको हटा करके वो कैवल्य को प्राप्त होना चाहता है अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होना चाहता है तो इस स्वरूप व स्थिति को प्राप्त करने की जो एक ललक है तत्व ज्ञान के बाद वो व्याकुल हो जाता है क्या ये कब छोड़े इसको इसलिए वहां तो कहा जाता है कि योगी ऐसे ऐसे सिद्धियाँ बताए हैं कि उसको तत्व ज्ञान हो गया कि अब हमें अविद्या का अब हमारे नाश ज्ञान के द्वारा अविद्या का नाश हो जाता है अविद्या के नाश होने से बंधन छूट जाते हैं परंतु उस समय भी कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म शेष रहते हैं ब्रह्म ज्ञान से भी नष्ट नहीं होता भोगेन्तु इतर एक शपित्वा संपदित इस ब्रह्म सूत्र के अनुसार कहते हैं कि प्रारब्ध कर्म ब्रह्म ज्ञानी को भी भोगना पड़ता है इसलिए बड़े बड़े महर्षियों को भी देखा गया है कि ब्रह्म ज्ञान होते हुए भी उनको दुख होता है क्योंकि वो भोगना ही पड़ता है उसके लिए ये नियम है कि भोगना ही बाकी कर्म नष्ट हो जाते हैं संचित कर्म है एक कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं परंतु ब्रह्म ज्ञानी को भी प्रारब्ध कर्म को भोग भोगना पड़ता है

खाद्य सामग्री ज़्यादा है क्या करेंगे भंडारा करवा देंगे खत्म करना अकेले खाएंगे तो धीरे धीरे बहुत दिनों तक तो चलेगा लेकिन वो तो खत्म करना है थोड़ा भंडारा करवा दें तो एक साथ बहुत लोग खाएंगे तो खत्म हो जाएगा एक ही दिन में ऐसे ही जो है वह योगी भी देखता है कि अभी प्रारब्ध शेष है अभी मेरा जीवन है इतने दिनों का इतने वर्षों का है अब उतने वर्ष भी वो रहना नहीं चाहता है क्योंकि बंधन उसको दिखता है सब तो एक साथ सब शरीर धारण करता है तो सारे कर्माशयों का प्रारब्ध कर्मों का एक ही साथ भोग, भोग लेता है तो वो जो तत्व ज्ञान उत्पन्न होता है उसके बाद ये प्रकार की जो तड़प है कि मैं छूटू अब अब मेरे को नहीं रहना इसको कहते हैं पर वैराग्य ये सबसे उत्कृष्ट वैराग्य है ये इसको कहते हुए महर्षि व्यास जी ने लिखा है कि ज्ञान शैव पराकाष्ठा वैराग्य ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है पर वैराग्य वैराग्य कोई अलग से नहीं है अभी तो ज्ञान की पराकाष्ठा जब हो गई यानी कि अखंड ज्ञान हो गया जो अभिप्लव ख्याति जिसको महर्षि पतंजलि ने कहा विवेक ख्याप्लव पाया तो उस स्थिति को प्राप्त करने के बाद ये वैराग्य उत्पन्न होता है तो इस प्रकार से वैराग्य का वर्णन है और उस अभ्यास और वैराग्य के द्वारा भगवान कह रहे हैं कि भले ही मन चंचल है बड़े कठिनता के साथ इसको नियंत्रित करने योग्य है परंतु फिर भी अभ्यास और वैराग्य दो उपायों से किया जा सकता है वैराग्याद अभ्यासाच ये महर्षि कपिल ने भी एक सूत्र दिया है कि वैराग्य और अभ्यास से दो जगह बार बार प्रयोग किए जाते हैं और आगे भगवान और कह रहे हैं असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मति वश्यात्मना तो यदता शक्य उपायतः भगवान कहकर ठीक है कि आप जो बात कह रहे हैं वो भी ठीक है क्यों क्योंकि असंयत आत्मा योगा दुष्प्राप क्योंकि जो असंयत आत्मा है जिसकी इंद्रियां संयमित नहीं है जिसका मन संयमित नहीं है ऐसे व्यक्ति के लिए तो योग दुष्प्राप प्राप्त बहुत कठिनता से प्राप्त मतलब नहीं न के बराबर है उसको जो समाधि की स्थिति योग की स्थिति योग समाधि योग का मतलब यहां पर समाधि है तो योग जो है दुष्प्राप्य है मतलब असंभव है तो जो असंयमित है जिसकी इंद्रिया संयमित है भोगों से अपने आप को रोक नहीं पा रहा है इंद्रियों को काबू नहीं कर पा रहा है मन को काबू नहीं कर पा रहा है और न प्रयत्न कर रहा है एक प्रयत्न करना पड़ता है प्रयत्न पूर्वक उसको रोकना पड़ता है लेकिन न प्रयत्न कर पा रहा है और न करने की कोई इच्छा है उसको तो करेगा ऐसे लोगों के लिए तो बस असंभव है परंतु वश्य आत्मना यतता उपायतः अवाप्तुम शक्य इति में मति ही भगवान करें लेकिन जो वश्य आत्मा है जो अपने अंतकरण को वश्य में किया है और यतता प्रयत्नशील है प्रयत्न करते हुए अपने इंद्रियों को काबू में किया है जिन्होंने इन उपायों से अभ्यास और वैराग्य रूपी उपायों से तो भगवान कह रहे हैं अवाप तुम शक्य है योग है, अब आप तुम शक्य है इति में वह योग को प्राप्त कर सकता है ऐसा मेरा दृढ़ निश्चय है इति में मति ऐसा मेरा मानना है ऐसा मैं मानता हूँ कि वो कर लेगा लेकिन जो अपने इंद्रियों और मन को नियंत्रित नहीं कर पाता इंद्रिय जीत नहीं हो पाता जित इंद्रिय नहीं हो पाता उसके लिए तो असंभव है क्योंकि देखा ही जाता है कि मन इतना चंचल है और विषयों के प्रति आकर्षण प्रदान कराता है इंद्रियों को कि सामान्य लोग तो नहीं कर पाते उसके अधीन हो जाते हैं इंद्रियों और मन के अधीन होकर के विषयों की तरफ उन्मुख हो जाते हैं लेकिन किया है बहुत सारे लोगों ने किया है इसलिए जो किया है उसको तो ये अवश्य ही प्राप्त हो सकता है अब अर्जुन को थोड़ा सा भय लग रहा है साहस भी मिल रहा क्योंकि अब ऐसे नियम बता दिए अभ्यास और वैराग्य इतना कठोर कि वहाँ पर तो जाना बड़ा मुश्किल है तब उसको डर लग रहा है और उसी डर को यहाँ पर अब प्रकट कर रहा है भगवान के सामने अर्जुन वाच अयति श्रद्धयोगपे तो योगाद योगा चलित मानस अग संधि काम कृष्ण गच्छति कह रहा है कि हे कृष्ण श्रद्धया उपेत अयति योगात् कह करे कि देखिए हम श्रद्धावान हैं हमको पूरा श्रद्धा है मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है हमारे जैसा जिसको खूब श्रद्धा है नास्तिक नहीं है भगवान में श्रद्धा है भगवान का स्मरण भी करता है लेकिन यति ही यति नहीं है संयम ही नहीं है संयम नहीं कर पा रहा इंद्रियों, इंद्रियों का लेकिन संयम इंद्रियों का न कर पाना भगवान की विस्मृति का हेतु नहीं है कि जो संयम नहीं करेगा उसको भगवान स्मरण में ही नहीं आएंगे ऐसा तो नहीं है फिसल जा रहा है विषयों में फिसल जा रहा है लेकिन फिर भी पूर्ण श्रद्धा है उसको लगता है कि नहीं भगवान अपने हैं हम जैसे भी हैं भगवान के हैं और भगवान का स्मरण बना रहा है उसको और श्रद्धापूर्वक भगवान की स्मृति आती है लेकिन फिसल जा रहा है उस प्रकार के दृढ़ जितेंद्रियता नहीं है उसमें और अब कैसे हो गया तो योगा चलित मानस योग से उसका मन जो है विचलित हो गया यानी कि योग में दृढ़ नहीं हो पाया समाधि में निष्ठ नहीं हो पाया में पहुंच नहीं पाया क्योंकि इंद्रिया संयम नहीं है मन के इतना वशिकार नहीं है कि वो जो मन के करके और समाधिस्थ हो जाए इतना नहीं है लेकिन श्रद्धा पूरी है उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है श्रद्धा पूरी है भगवान का भजन करता है नाम लेता है सब करता है परंतु योग की स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया योगा चलित मानस है योग से उसका मन विचलित हो गया योग में समाहित नहीं हो पाया जिसका मन यानी कि योगनिष्ठ नहीं हो पाया समाधिस्त नहीं हो पाया और समाधिस्थ न होने के कारण योग संसिद्धि अप्राप योग रूपी संसिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया मान लीजिए विचलित हो गया मन उसका विचलित हो गया पूरी श्रद्धा है फिर भी विचलित हो गया मन और विचलित हो जाने से योग रूपी संसिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाया तो ऐसे लोगों की का गति में क्या गति होगी क्या ये अधर में लटक जाएंगे क्या जैसे एक तो है कि भोगी हैं तो भोगी हैं तो चलो उनका तो जो है सो अपने कर्म के अनुसार मिलेगा एक योगी हैं उनको भी कर्म के अनुसार मिलेगा परंतु तो ये बीच वाले हैं हम जैसे लोग जो बीच वाले हैं इनका क्या होगा कहीं तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि दुविधा में दोनों गए माया मिले न राम ऐसी स्थिति तो नहीं हो जाएगी तो अपने व्यथा को प्रस्तुत करते हुए ऐसा अर्जुन ने प्रश्न रखा और आगे भी कह रहा है अर्जुन कच्चिन्नो भय बिभ्रष्ट छिन्ना भ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण पथि करेगी हे कृष्ण कच्चित ब्राह्मण पथि विमूढ़ क्या ये भगवत प्राप्ति के जो पथ से विमूढ़ हो गया क्योंकि योग योग में नहीं दृढ़ हो पाया समाधि नहीं लग पाई भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ तो क्या हुआ ये भगवान के पद से विचलित तो हो गया तो भगवत प्राप्ति के पद से जो मोहित हो गया और अप्रतिष्ठा अब उसकी प्रतिष्ठा तो हो नहीं पाई ब्रह्म में प्रतिष्ठा तो नहीं हो पाई ब्रह्म रूपी जो प्रतिष्ठा है उसमें तो हो नहीं पाई तो अप्रतिष्ठ भ्रम वो अब फिर बोलते हैं बादल को जैसे बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं वायु से वैसे ही क्या यह भी छिन्न भिन्न तो नहीं हो जाएगा मतलब कहीं का नहीं रहेगा ऐसा तो नहीं हो जाएगा क्योंकि योग में स्थिति नहीं बनी और ऐसा भी नहीं है कि नास्तिक है नरक जाएगा इस प्रकार से भी नहीं श्रद्धा वाला है तो इस प्रकार से आश्रय रहित पुरुष भिन्न भिन्न बादल की भांति जो है छिन्न भिन्न बादल की भांति ये दोनों मार्ग से कहीं भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा दोनों मार्ग से एक तो योग मार्ग है और एक सन्यास मार्ग है या एक कर्म मार्ग है एक ज्ञान मार्ग है एक प्रवृत्ति मार्ग है एक निवृत्ति मार्ग है तो इन दोनों मार्गों से कहीं भ्रष्ट होकर के तीसरी कोई गति तो नहीं है इसका तो वो कहीं नष्ट तो नहीं हो जाएगा न नश्यति नष्ट नहीं हो जाएगा ऐसा प्रश्न पूछ रहा है अर्जुन और फिर कह रहा है अर्जुन एक और श्लोक में एक में संशय कृष्ण न संशयस्याेता करके हे कृष्ण मेत संशय अशेषतः छेतम अर्हसी ही त्वद अन्यह संशय से ना उपज देते करें कि ये जो संशय है ये जो हमारे सामने प्रश्न है इस प्रश्न को आपके अतिरिक्त तो और कोई नहीं है जो मेरे इस संशय को दूर कर सकते आप ही हैं एक मेरे परम मित्र है परम स्नेही हैं अब तो गुरु हो चुके हैं पहले मित्र थे अब वो मित्रता गुरु शिष्य में परिवर्तित हो गई है तो आप ही हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक हैं और आपके अतिरिक्त तो और कौन हो सकता है जो इन संशयों को मिटाने में समर्थ हो अर्थात कोई भी गुरु कोई भी सामान्य मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए बड़े बड़े ऋषि महर्षि देव भी हमारी संस्या का समाधान समस्या का समाधान करने में समर्थ नहीं हो सकते क्योंकि आप साक्षात परमेश्वर हैं इसलिए आप ही मेरे इस संशय को निवृत्त करने में पूर्ण रूप से समर्थ है इसलिए कृपा करके इन संशयों को दूर करिए कि श्रद्धा हमारी पूरी है मन बस में नहीं है तो क्या हुआ हमारी कहीं गति होगी या नहीं होगी यह प्रश्न है सबका प्रश्न है हालांकि इस प्रश्न का भगवान ने पूर्व में भी उत्तर दिया था और कहा था कि स्वल्पम पे धर्म से त्रायत महतो भयात कि चिंता मत करो थोड़ा सा भी आचरण कर लिया है ना दो दिन दस दिन भी इंद्रिय संयम करने का प्रयास कर लिया तो भी महान भय से तुम्हें बचाएगा स्वल्पम पे धर्म से इस योग धर्म का इस अध्यात्म धर्म का थोड़ा सा भी आचरण किया है तो वो कहीं निष्फल नहीं होगा क्योंकि कर्म है कर्म किए हो तुमने दो दिन का तो चौबीस घंटे का इंद्रिय संयम किया है तुमने तो ये कर्म हुआ तुम्हारा ये काउंटिंग होगी गिरा जाएगा ये कभी निष्फल नहीं होगा इसलिए भगवान कह रहे हैं आगे श्री भगवान वाच पार्थ नई हात्र विनाशस्त विद्यते नहि ही कल्याण तात बहुत ही बढ़िया श्लोक है और कह रहे हैं कि हे है पार्थ न इह न अमूत्र विनाश है उसका विनाश न यहां हो सकता है ना वहां हो सकता है किसका जिसने श्रद्धा पूर्वक थोड़ा भी आचरण किया है थोड़ा भी आचरण किया है तो कह रहे हैं कि उनका विनाश नहीं हो सकता इस इस्लोक में भी नहीं हो सकता और परलोक में भी नहीं हो सकता कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति इसलिए हे तात प्यारे आत्मोद्धार के लिए भगवत प्राप्ति के लिए जो कर्म किया है तुमने कुछ भी थोड़ा सा भी अनुष्ठान किया है किसी ने उसका कभी भी अकल्याण नहीं हो सकता यह कल्याणकृत है ये सारे इसलिए कश्चित दुर्गतिम न गच्छति ऐसे कल्याणकारी कर्म कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं हो सकते श्रद्धा है श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन किया है जप किया है नाम स्मरण किया है तो क्या हुआ थोड़ा सा विशेष सेवन हो गया तो क्या हो गया वो तो निष्फल हो जाएंगे सारे कर्म निष्फल नहीं होंगे गए हां अंतिम स्थिति तक प्राप्त भले ही नहीं हो पाया तो अधर में नहीं लटकेगा ऐसा नहीं है कि बीच में कहीं लटक जाएगा अब ना यहां का रहा ना वहां का रहा ऐसा नहीं है यदि वो स्थिति प्राप्त रही भगवत तत्व का साक्षात्कार नहीं भी हुआ मान लीजिए क्योंकि अभी राग शेष रह गया राग शेष रह श्रद्धा पूरी थी भगवान का नाम श्रमण खूब लिया खूब जप किया परंतु राग रह गया क्योंकि तो जन्म जन्म के राग है एक जन्म में थोड़ी खत्म होंगे लेकिन उसका नाश नहीं हो सकता उसका अकल्याण नहीं हो सकता और कभी नीचली यो नीचली यो में नहीं जा सकता उसका ऊर्धारोहण ही होगा वो नीचे नहीं जा सकता इसलिए भगवान ने कहा कि डरो मत इसमें डरने की बात नहीं है उसके लिए कहीं दुर्गति नहीं होगी ये सब कल्याणकारी कर्म है भगवान के और थोड़ा सा भी किया है तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती भले ही भग, भगवत प्राप्ति नहीं हुई भले ही समाधि की प्राप्ति नहीं हुई भले ही पूरी तरह राग की निवृत्ति नहीं हुई तो भी कल्याण होने में कोई कमी नहीं होगी भगवान कितना बल दे रहे हैं श्लोक कितना बल दे रहा है कि हमने भले ही हमें राग नहीं गया तो भी कह रहे हैं कि कल्याण उससे कोई रोक नहीं सकता हमारा अधोगति नहीं हो सकती अरे विषयी तो देव भी होते हैं तो भी तो मनुष्य अच्छे ही होते हैं उनका ऐश्वर्य जो होता है उनकी जो शक्तियां होती है मनुष्य से तो काफी अधिक है लेकिन है विषय भोगी होते हैं तो क्या हुआ मनुष्य जैसे तो नहीं है मनुष्य जैसे दुख में तो नहीं है तो कह रहे हैं कि विषय भोग की निवृत्ति तो बहुत बड़ी बात हो जाती है भगवान किसी पर कृपा करके कर देते हैं तो उसका कल्याण हो जाता है परंतु नहीं भी हुआ तो अधोगति नहीं होगी उसकी अधोगति नहीं ऊर्धति होगी और कैसी गति उस गति को बता रहे हैं भगवान पुण्य पुण्यकृताम लोकान् उषिवा शास्वती साम शुचीनाम गेहे योग भ्रष्टो भी जायते करें भगवान की ये वैसे पुण्य लोग को प्राप्त होगा जिस पर करोड़ों रुपए खर्च करके अश्वमेध याग आदि यज्ञ करके और लोग जाते हैं अश्वमेध याग करके बड़े बड़े अश्वमेध याग करके जो पद को प्राप्त किया जाता है पुण्य पद को स्वर्ग पद को और स्वर्ग का अधिपति बनना स्वर्ग का अधिपति बन करके वहाँ पर सुखो भोग करना ऐसे जो विशिष्ट पदवियाँ हैं विशिष्ट योनियाँ हैं उस योनियों को जो प्राप्त करके जो प्राप्त करता है और किन कर्मों से अग्निहोत्र आदि या अश्वमेध याग आदि विभिन्न प्रकार के याग करके जप करके और करोड़ों रुपए खर्च करके विधि विधान के साथ संपन्न करके और जो उन फल को प्राप्त करता है स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त करता है उसको वह इस कर्मयोग से ही प्राप्त कर लेता है यदि उसको भगवत प्राप्ति नहीं हुई समाधि की प्राप्ति नहीं हुई समाधि की प्राप्ति नहीं हुई तो भी वो बिना इन कर्म कांड के बिना दान के बिना पुण्य के बिना तीर्थ स्नान केवल के कर्म योग के द्वारा वो भी कैसा कर्मयोग अधूरा कर्मयोग पूरा नहीं हुआ इस अधूरे कर्मयोग का यह फल हुआ कि उन जो नाना प्रकार के कर्मकांडों से नाना प्रकार के पुण्यों से नाना प्रकार के जप तपादियों से जो फल प्राप्त होता है आदि लोगों की उन लोगों की ये इस अधूरे कर्मयोग से प्राप्त कर लेता और वहां पर उन लोगों में वो जो विशिष्ट सुख हैं लोक-लोक लोकांतर है बहुत सारे लोक हैं उन लोगों में अलग अलग सबके सुख हैं उन दिव्य सुखों को उचित्वा अनुभव करके उपभोग करके और कैसे शाश्वती समा अनंत वर्षों तक अनंत संवत्सरो तक उनको वहाँ उपभोग करता है और उपभोग करके भी अब क्योंकि स्वर्गादी लोक भी होते हैं वो भी अनित्य होते हैं लेकिन मनुष्य की अपेक्षा आयु ज्यादा होती है सबकी जीवन चक्र जो है आयु गणना सौ वर्ष में ही चलती है लेकिन वो जो सौ वर्ष में जो उनका दिन होता है छोटा बड़ा होता है तो जो देवताओं का दिन होता है वो मनुष्य के दिन के छह महीने का एक दिन और छह महीने के एक रात्रि होती है इसलिए एक वर्ष के एक दिन रात उनकी होती है तो इसलिए काल बढ़ जाता उसमें भी ये तो सामान्य जो सबसे लोअर कोटि के जो स्वर्ग में भी अवान्तर भेद है जैसे पढ़ते ना भू भु, भू स्व मह जनह तपह सत्यम ये सात लोग हैं तो भू लोग को छोड़कर के छह लोग ऊपर हैं उसमें भी अवान्तर हैं ब्रह्मलोक पर्यंत उनमें भी ऊपर ऊपर के लोक में आयु अधिक है और जैसे जैसे ऊपर ऊपर लोक में जाते हैं आयु बढ़ती जाती है और भोग भी बढ़ता जाता है सुख भी बढ़ता जाता है तो कहते हैं कि उन उत्तरोत्तर अच्छे लोकों में जाता है और लोकों में जा के वहां पर जो दिव्य उपभोग हैं सुख हैं उनको भोग करके आना तो पड़ेगा उसको भी क्योंकि सब अनित्य लोग हैं चाहे कितना भी लंबा समय क्यों ना हो पर आना पड़ता है तो आकर के लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि आने के बाद फिर उसकी दुर्गति हो जाए फिर नरक आदि में चला जाए या जा 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 त्रियक योनियों में चला जाए पशु आदि बन जाए नहीं करेगी ये कौन सा सामान्य साधक नहीं है अन्यों के विषय में तो भगवान ये ठेका नहीं लेते क्योंकि उपनिषदों में आता है कि स्वर्ग से पतित जीव स्वर्ग से पतित जीव कुत्ते में भी चला जाता है चंडाल में भी चला जाता है त्रियक योनियों में भी चला जाता है लेकिन यहां भगवान इसके लिए करे कि जो कर्मयोग के द्वारा स्वर्ग लोग को प्राप्त किया है वो पतित भी होगा तो त्रियक योनियों में सुकर कुकर इत्यादि योनियों में नहीं जाएगा क्योंकि सुकर कुकर का भी वर्णन आता है कि स्वर्ग से लौटे जीवात्मा भी चले जाते हैं तो देखिए स्वर्ग गया कहाँ स्वर्ग गया और कर्म नष्ट हुए तो फिर वो पूर्व कर्म उसका साथ नहीं छोड़ा उसमें यदि पाप आ गया तो फिर उसकी भी दुर्गति हो जाती है लेकिन यह जो कर्म योगी है जो ऊंचे लोग को प्राप्त किया यदि वहां से गिरता भी है तो भगवान कहें कि सुची नाम श्रीमता जो पवित्र आचरण वाले हैं श्री संपन्न है धन संपन्न ऐसे महानुभावों के घर में उसका जन्म होता है जहां अनुकूल ही अनुकूल है चरित्रवान है सुचिता है सात्विक है तो वहां से उठ सकता है पुनः तो हाँ माहौल ठीक है ऐसे घर का श्री संपन्न है कोई दिक्कत नहीं है तो अनुकूल वातावरण मिलेगा और अनुकूल वातावरण मिलने से फिर भजन करेगा फिर आगे बढ़ जाएगा और फिर मान लीजिएगा अधूरा रहा तो फिर जाएगा वही फिर मान लीजिए फिर भी प्राप्त नहीं हुआ तो फिर वही प्रक्रिया लगेगा फिर स्वर्ग लोग को जाएगा फिर आएगा फिर श्री संपन्न मिलेगा चलता रहेगा लेकिन उसके लिए कोई इस प्रकार के दुख नहीं होंगे जैसे अन्य दुख होते हैं इसलिए सुचि नाम श्री मताम गे हैं योग भ्रष्टो भी जायते अथवा करें भगवान के अथवा योगी नामे व कूले भवती मताम इत्तद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि अथवा ये होगा कि वहाँ भी नहीं जाएगा भगवान इस पर कृपा करेंगे तो कहेंगे कि पुनः उसको जो है स्वर्ग लोक में ना भेज करके और किसी ऐसे योगियों के कुल में भेज देते हैं सिद्ध योगियों के कुल में कि देखा कि हमारे पिताजी ही सिद्ध हैं हमारे दादाजी ही सिद्ध हैं हमारे गुरु ही सिद्ध हैं ऐसे गुरुजनों के यहाँ ऐसे घर परिवार में जन्म दे देते हैं कि बचपन से ही वो सिद्ध हो जाता है और वहाँ से अपना आगे बढ़ाता है क्योंकि जैसा माहौल मिलेगा और सिद्धों के यहाँ जन्म लेने के बाद तो फिर तो कहते हैं कि एक ब्रह्मज्ञानी के घर में जो एक ब्रह्म ज्ञानी हो गया किसी के यहाँ तो उस कुल में कोई अब्रह्म अब ज्ञानी नहीं रहता सारा कुल ही तरण को प्राप्त हो जाता है सारे कुल का उद्धार हो जाता है तो करेंगे अथवा ऐसे योगियों के कुल में बुद्धिमान ब्रह्मनिष्ठ योगियों के कुल में उसका जन्म हो जाता है और यह तो अत्यंत ही दुर्लभ है कहने की इससे भी पहले वाले से भी दुर्लभ है कैसे योगियों के कुल में जन्म मिल जाए तो उसी जन्म में हो जाएगा काम ये थोड़ा इससे भी दुर्लभ है तो इस प्रकार भगवान ने अर्जुन को उत्साह दिया कि चिंता मत करो थोड़े से भी धर्म का आलंबन लिया योग धर्म का कर्म योग का तो विनाश नहीं होगा नहीं कल्याण कर्षित दुर्गति में ताक अच्छती तो इस प्रकार से आज की कक्षा को हम यहीं पर विराम देते हैं शेष अगले अंक में शान्तिा दिशान्ति